सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे वालिद साहब की आवाज़, उन्होंने जो सिखाया वो हमेशा ही मुझे याद रहता है। और उसके बाद अगर आप मेरे गुरुजनों का तो है ही, पर अगर फिल्म के हिसाब से आप सोचेंगे तो मुझे सहगल साहब हमेशा ही याद हैं। उनका गाना मुझे उनका गाना बहुत पसंद था। फिल्मों में गाना शुरू करने के बाद मैंने कुछ नूरजहाँ को भी बहुत सुना जी, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि गाने में परहेज की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा परहेज तो ये होता है कि आदमी अपना गाना जो है वो गाता रहे, मतलब वही करता रहे तो वो अच्छा रहता है, मतलब आपका गला चालू रहना चाहिए। तो वही मैंने किया पूरी जिंदगी। दुहाते ख्वाबों की